ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তাল দেশ। এই আবহেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ রামলীলা ময়দানে মোদীর প্রথম নির্বাচনী সভা। দেশজুড়ে চলা বিরোধিতা নিয়ে বার্তা দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে 70 আসনের দিল্লি বিধানসভায় ভোট। এদিকে আজ যেখানে প্রধানমন্ত্রীর সভা, সেই রামলীলা ময়দান থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে দরিয়াগঞ্জ। গত শুক্রবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দরিয়াগঞ্জ। সেই কারণে মোদীর সভা ঘিরে আজ কড়া নিরাপত্তার আয়োজন। आज भाजपा द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम रामलीला मैदान पर ही मौजूद हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं इस रैली में आकर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, जिसके चलते रामलीला मैदान के कई गेट हैं जिस पर मल्टीपल लेवल्स पर जो चेक पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं। जो भी समर्थक यहां रैली में आने वाले हैं उन्हें चेक करने के लिए यहां पर सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं भारी संख्या में। हम आपको यह भी बता दें कि जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है कड़ी नजर रखी जाएगी कंट्रोल रूम में, और आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उस पर भी स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर रैली के दौरान वाहनों की जो आवाजाही है उसको भी रोक दिया जाएगा। ये रामलीला मैदान का जो इलाका है वो हम आपको बता दें कि दरियागंज के बहुत ही पास है, जहां पर हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो गया था। वहां दूसरी ओर जानकारी के मुताबिक बताया यह जा रहा था कि पाकिस्तान का आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद जो है वो भी हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए कई डिसीजंस के चलते भारत में घुस आया है और अटैक भी कर सकता है, जिसके चलते आज इस रैली में भारी सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उसे किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर हैं, उसका ही किक ऑफ जो है यहां से नरेंद्र मोदी करेंगे उसी के कैंपेन का, जिसके चलते यहां पर सुरक्षा बल जो हैं वो बहुत ही भारी संख्या में तैनात हैं। कैमरा पर्सन अजय नागर के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।